साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। आज महादेव का प्रिय महीना सावन का महीना शुरू हो गया है। इस महीने भगवान शिव की पूजा करने से दो गुना फल मिलता है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का एक बेहद ही विशेष महत्व है। सावन के प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आज सावन का पहला सोमवार है और आज प्रदेश भर के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। इस साल का पूरा सावन महीना बहुत ही खास होने वाला है और सावन मास 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। आपको बता दें कि पिछले दो साल से कोरोना संकट होने के कारण कांवड़ यात्रा लाने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे पर भी मायूसी थी, लेकिन इस बार जब कोरोना के मामले घटे तो सभी प्रकार की पाबंदी हटने के बाद श्रद्धालु कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार रवाना भी हो गए। ऐसे में उत्साह भी श्रद्धालुओं में और ज्यादा देखने को मिला। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से आज पूरा जो देश है, फिर चाहे वो प्रदेश का कोई भी जिला हो, चाहे वो देश का कोई भी जिला हो, सभी जगह आज जो भक्त है वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं भगवान शिव की पूजा आराधना और अर्चना करने। तो आप तस्वीरें गोरखपुर, रायबरेली, गाजियाबाद, वाराणसी और प्रयागराज से देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिव अनादि, आदि, मध्य और अंत है, यानी शिव को शिव अनंत है, शिव है प्रथम और शिव ही अंत है, शिव है सनातन धर्म का परम कारण और कार, शिव है धर्म की जड़। यही वजह है कि आज पूरे देश भर में सावन के पहले सोमवार में श्रद्धालु जो है वो मंदिरों में उमड़ रहे हैं भगवान शिव की आराधना करने। कानपुर और आजमगढ़ की भी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह जो श्रद्धालु है वो शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी साफ तौर पर कहा जाए कि आज पूरा देश जो है वो पहले सावन के सोमवार के अवसर पर इस वक्त मंदिरों में उमड़ा हुआ है। फिर चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी इस वक्त मंदिरों में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आपको बताते चले कि शिव से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। सभी जगत शिव की ही शरण में है। जो शिव के प्रति शरणागत नहीं है वो प्राणी दुख के गहरे गर्त में डूबता जा रहा है। ऐसा पुराणों में भी कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु शिव की भक्ति करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती, उन्हें किसी भी प्रकार के संकट से कभी भी जूझना नहीं पड़ता, क्योंकि शिव ही अनादि है, आदि है, मध्य है और अनंत भी है। शिव है प्रथम और शिव ही अंत है। यही वजह है कि आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का भारी तांता मंदिरों के बाहर लगा हुआ है। मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शिव यक्ष के रूप को धारण करते हैं और लंबी लंबी खूबसूरत जटाएं हैं। इनके हाथों में पिनाक यानी कि धनुष है और इनके गले पर एक सांप भी है, जो शिव की प्रतिमा को बेहद ही खूबसूरत बनाता है। तो शिव आदि है, अनंत है, शिव की भक्ति करने वालों को कभी किसी भी प्रकार की जो कठिनाई है उनका सामना नहीं करना पड़ता है। वही आज सावन के पहले सोमवार के अवसर पर कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना और गाजियाबाद से प्रवीण जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, इस वक्त आप मंदिर के बाहर मौजूद है और आज सावन के महीने का पहला सोमवार है, तो मंदिरों के बाहर का क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? जी उपेंद्र, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है, तो चलिए हम सीधा गाजियाबाद प्रवीण के पास चलते हैं। प्रवीण, आज अगर देखा जाए तो देश भर में सावन का पहला सोमवार मनाया जा रहा है, सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, तो कैसी तस्वीरें गाजियाबाद से निकल के सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुस्कान, आपको बता दूं, इस समय हम गाजियाबाद के एक प्राचीन शिव मंदिर पर मौजूद है। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार यहाँ पर आके पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं, दूध अर्पित। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे ही देखिए, ये शिव शंकर जी भोलेनाथ का शिवलिंग है, जहाँ पर दूध, जल आदि
यहाँ पर अर्पित किया जा रहा है भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाएं इच्छा शक्ति मांगने के लिए यहाँ पर उनकी प्रार्थना की जा रही है। और बात की जाए, पहला सोमवार है जिसे कि खासा यहाँ पर उत्साह है लोगों के अंदर में, क्योंकि पिछले आप 2 साल देख लीजिए, 2 साल उठा के, तो 2 साल से जो भक्त थे, शिव भक्त थे या अन्य मंदिर सभी बंद थे। तो बात की जाए जो जो जिस तरह से सोमवार का पहला ये दिन है सावन का, इसमें खासा सुबह से ही लोगों के अंदर में भीड़ है और लोग काफी उत्साह है दिख रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि भीड़ जो है लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसी आधार पे यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बच्चे हो, बूढ़े हो या महिलाएं हो, या सभी तदबे के लोग यहाँ पर आकर भगवान भोलेनाथ से अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार यहाँ पर सब लोग मांग रहे हैं कि हे भोलेनाथ, हमें हमारे परिवार को खुश रखे और सभी को, सभी पूरे देश को खुश रखे, जो जैसी कोरोना जैसी महामारी जो आई थी इससे दोबारा हम लोगों को सामना ना करना पड़े। जी मुस्कान, उपेंद्र क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? उपेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम उनसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। प्रवीण, अगर देखा जाए तो कोरोना महामारी के कारण 2 साल से कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब जैसे ही कोरोना के मामलों में जो कमी आई है, जैसे गिरावट दर्ज की गई है, तो उसी प्रकार से इस बार कांवड़ यात्रा को भी शुरू कर दिया गया है। तो इस वक्त कांवड़ियों में कितनी खुशी देखने को मिल रही है, उनमें किस प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा है? 2 वर्ष बीत गए हैं जहां पर कांवड़िया जाते थे, रेगुलर उनका रूटीन होता था, जब जब सावन स्टार्ट होते थे और वो हरिद्वार जल लेने जाया करते थे, लेकिन इस बार बच्चे, बूढ़े या जो महिलाएं भी हैं वो जी प्रवीण कांवड़ यात्रा के लिए रवाना भी हो चुके हैं, क्योंकि हरिद्वार जैसे कि दिल्ली NCR या गाजियाबाद से सटे हुआ है, तो यहाँ से दूरी थोड़ी कम है हरिद्वार की, तो लोग यहाँ से कुछ यहाँ से अपने वाहनों से जा रहे हैं, कुछ ढोल नगाड़ों के साथ जा रहे हैं, कुछ DJ बारात लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफी उत्साह लोगों के अंदर में देखने को मिला है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा समय है क्योंकि लोग वहां से अभी कांवड़ जो ले लेकर आ रहे हैं, अभी थोड़ा समय लगेगा गाजियाबाद पहुंचने में, क्योंकि बॉर्डर है यहाँ पर, जो हरियाणा से गुजरने वाले लोग हैं वही लोग यहाँ से अभी तक आ रहे हैं, उन लोगों के लिए कैंप में व्यवस्था भी की गई है सभी तरह की। और बात की जाए तो इस समय पर श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, अगर देखा जाए तो जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त एक आप पौराणिक शिव मंदिर में मौजूद है, तो वहां की क्या कुछ मान्यताएं हैं जिसके कारण लोग भारी संख्या में उस मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं? देखिए बता दूं कि ये गाजियाबाद का जो बॉर्डर इलाका है जहां पर वैशाली पड़ता है, वैशाली क्षेत्र के अंदर में एक ऐसा ही मात्र एक मंदिर है जो कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना पुराना मंदिर है। यहां पर एक शिवलिंग है, लोग कहते हैं कि यहां पर इच्छा शक्ति के अनुसार जो चीज मांगी जाती है वो उनको मिलती है, काफी यहां के लोगों का खास तौर पे कहना है। और यहां के जो भी लोग हैं, जितने भी लोग तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए कितना लोगों में उत्साह है, सभी लोग लाइन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए, अपने भोलेनाथ से कुछ मांगने के लिए लगातार लोग लाइन में लगे हुए हैं, अपनी अपनी बारी से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं, फल फूल अर्पित कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख चुके हैं कि किस तरह से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्रवीण, अगर देखा जाए तो आप इस वक्त श्रद्धालुओं के बीच मौजूद है, तो आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए कि वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में क्या कुछ चढ़ावा लेकर उनके लिए पहुंचे हैं। पहला सावन का जो पहला सोमवार है, हाँ जी, भगवान जल अर्पित कर रहे हैं, हाँ जी, क्या कुछ मांगा है आपने? मैंने मांगा है, मिला है। और क्या क्या आपने मांगा, क्योंकि इसमें भीड़ काफी दिख रही है, हाँ, लोग काफी उत्साह भी है क्योंकि 2 साल कोरोना के बाद, हाँ, पहली बार हो रही है, पहली बार हो रहा है, तो किस तरह से आपने क्या क्या चीजें मांगी है भगवान भोलेनाथ से? मेरे बिटिया की एग्जाम थी, इसमें पास हो गई बहुत अच्छे तरह से, वो मांगी मैंने, बहुत अच्छे तरह से पास हुई है, पूरी करते हैं। 14 साल से यहाँ पे आ रही हूँ, 14 साल से महिलाओं का कहना है कि जब जब यहाँ पर कुछ भी मांगने आते हैं, क्योंकि प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर बच्चे की चाहे पढ़ाई को लेकर, एग्जाम को लेकर, कुछ चीज लगातार जो मांगते हैं भगवान से इच्छा अनुसार, और साथ ही साथ जो 2 साल कोरोना के बीच चुके हैं, उन्होंने बात की और कहा कि 2 साल की पूजा नहीं कर पा रहे थे, मंदिरों में हम फूल अर्पित नहीं कर पा रहे, जल अर्पित नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं सभी कपाट बंद थे मंदिरों के,
कहीं ना कहीं खुलने से लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। प्रवीण, अगर देखा जाए तो जब भी सावन का सोमवार शुरू होता है तो अक्सर लोग सोमवार के व्रत भी रखते हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर महिलाएं व्रत रखती हैं या बच्चियां व्रत रखती हैं, तो क्या कुछ मान्यताएं हैं इस व्रत को लेकर, क्या आखिर व्रत रखने से क्या कुछ लाभ उनको प्राप्त होता है? देखिए, जहां तक बता दें कि जो भगवान भोलेनाथ का जो आज सोमवार के दिन में व्रत रखा जाता है, खासतौर पे महिलाएं और बच्चियां रखती हैं। अगर बच्चियों की बात की जाए तो बच्चियां सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे जीवन साथी की कामना करती हैं कि उनको अच्छा जीवन साथी मिले, भगवान भोलेनाथ की जिस तरह से व्रत रखा जाता है। बात की जाए महिलाएं इसलिए व्रत रखती है कि उनके बच्चे जो है या उनके परिवार में सभी लोग खुश रहे, सुख शांति बनी रहे, इस तरह से ये व्रत की मान्यता मानी जाती है। जी, धन्यवाद प्रवीण हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़कर मंदिरों की तस्वीर दिखाने के लिए, ताकि जो भी श्रद्धालु इस वक्त मंदिर की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन के जरिए ही जो गाजियाबाद का प्रसिद्ध मंदिर है, जो पौराणिक मंदिर है, उसका दर्शन कर सके। तो अभी अपने गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से आज सावन के पहले सोमवार के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिर में लगा हुआ है। एक भारी लंबी बड़ी कतारें मंदिरों के बाहर इस वक्त देखने को मिल रही है, वो चाहे देश का कोई भी जिला हो, कोई भी शहर हो, आज सभी जगह से ऐसे तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि शिव ही शक्ति है, शिव ही अनंत है। शिव के भक्तों में एक अलग ही उत्साह आज देखने को मिल रहा है, जो एक तरफ कोरोना महामारी के कारण लोगों को 2 साल से कांवड़ यात्रा करने की परमिशन नहीं मिल रही थी, लेकिन अब 2 साल बाद आज ये प्रतिबंध हटा दिया गया है और अब लोग कांवड़ यात्रा पे भी निकल चुके हैं। ऐसे में भक्तों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से ही जो मंदिरों के बाहर भारी पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है, साथ ही साथ बाहर लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। तो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज अगर देखा जाए तो सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में मंदिरों के बाहर से कैसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है या श्रद्धालु जो है वो कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? जी हिमांशु, हमारे संवाददाता से हम दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आजमगढ़ और कानपुर की भी तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिरों के बाहर जो दुकानदार है वो फल और फूल बेचते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जो भी शिव के भक्त है जो मंदिरों की तरफ पहुंच रहे हैं वो शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनको चढ़ावा चढ़ाने के लिए वहां से सामग्री भी ले सके। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो शिवलिंग है उस पर भी भक्त दूध चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, शिव भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले सामग्री चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ वो शिव को प्रसन्न करने का कोई एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। जबकि अगर जो भी भगवान शिव के आराध्य हैं उनके लिए आज एक बेहद ही खास दिन है, क्योंकि वो सभी इस वक्त मंदिरों के बाहर पहुंच रहे हैं, मंदिरों के अंदर कूच कर रहे हैं और सुबह से ही श्रद्धालुओं का भारी हुजूम मंदिरों के बाहर देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको साफ तौर पर दिखा सकते हैं। जो एक तरफ मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन मंदिरों के बाहर भारी पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है, जिससे वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद हो सके और सभी जो श्रद्धालु है वो पूरे सुरक्षा के बीच भगवान शिव की पूजा कर सके। अगर शिव के रूप की बात करी जाए तो शिव यक्ष के रूप को धारण करते हैं और लंबी लंबी खूबसूरत उनकी जटाएं भी है, साथ ही उनके हाथ में पिनाक और धनुष भी है जो सत स्वरूप है अर्थात सनातन है, ओमवार स्वरूप उज्जवल रूप होते हुए भी जो दिगंबर है, शिव नागराज वासुकी का हार भी पहने हुए है। ये सारी भगवान शिव की तस्वीरों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का मन मोहती हैं। वही अगर भगवान शिव की बात करी जाए तो कुछ विद्वान मानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार शिव के माता पिता सदाशिव और दुर्गा है, ब्रह्म से सदाशिव और सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र और महेश्वर की उत्पत्ति हुई और रुद्र का सदाशिव रूप होने के कारण वो शिव कहलाए। अगर हम पुराणों की बात करी जाए तो जब भी दुनिया पर कोई संकट आया था, जब भी कोई संकट पूरे विश्व पर आया था, उस वक्त भगवान शिव ढाल बनकर पूरे विश्व के आगे खड़े थे। और हम ये भी कहानियां बचपन से सुनते आए हैं कि उन्होंने विश्व को बचाने के लिए, देवी देवताओं को बचाने के लिए उन्होंने जहर का भी
जहर का प्याला भी पिया था, यही वजह है कि उनकी जो तस्वीरें हैं, जो भी जब भी हम उनकी पूजा करते हैं हमेशा उनकी तस्वीर हमें नीले रूप में दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर का प्याला खुद पी लिया था ताकि दुनिया सुरक्षित रह सके। तो चलिए अब आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनसून सत्र से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करें और हर पल याद रखें कि आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी, अपना जीवन खपा दिया, जिंदगी जेलों में काटी, कुछ ने शहादत स्वीकार की, उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब 15 अगस्त सामने है तब सदन का सर्वाधिक सकारात्मक उपयोग हो, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उस लिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है। सबके तो अभी आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनसून सत्र से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष से, जो पक्ष सरकार है उसका साथ देने की पूरी कोशिश करे, ऐसा उन्होंने जो विपक्षी नेता है उनसे अपील की है। लेकिन चलिए एक बार फिर रुक करते हैं एक खबर की ओर, जहां आज पूरा देश इस वक्त सावन का पहला सोमवार मना रहा है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं का भारी तांता सुबह से ही मंदिर के बाहर लगा हुआ है। शिव तो जगत के गुरु और परमेश्वर है, क्योंकि शिव की ऐसी मान्यता है कि जब भी दुनिया पर कोई भी परेशानी आई है तब शिव दुनिया के सामने ढाल बनकर खड़े हैं। मान्यता अनुसार सबसे पहले उन्होंने अपना ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया था। सप्त ऋषियों ने शिव से ज्ञान लेकर उन्हें अलग अलग दिशाओं में फैलाया और धरती के कोने कोने में शैव धर्म, योग और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। एक बार फिर इस खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अगर देखा जाए तो आज शिव भक्तों के लिए एक बेहद ही उत्साह भरा दिन है, क्योंकि आज पूरे देश भर में सावन का पहला सोमवार मनाया जा रहा है। तो आप इस वक्त मंदिर के बाहर मौजूद है, तो वहां से क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, कैसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है? जी मुस्कान, बता दें कि सावन मास चल रहा है और आज ही सोमवार है, पहला सोमवार है। ऐसे में बता दें कि सावन का काफी महत्व होता है सनातन में और सनातन सभ्यता में शिव को जो है सर्वोच्च माना गया है। और आपको बता दें कि
सावन में शिव पुराण के अनुसार अगर माना जाए तो सावन में जो है भगवान शिव ने विष किया था, जो कि समुद्र मंथन से निकला हुआ विष था, उसको उन्होंने ग्रहण किया था, जिससे उनके कंठ में काफी जलन होने लगी। और इसके बाद जो शिव को जो शांत करने के लिए और शिव के गले को शांत करने के लिए, जलन को शांत करने के लिए भगवान इंद्र ने भारी बारिश की थी। इस वजह से जो है सावन मास का बहुत महत्व रखा जाता है और भगवान शिव को इसीलिए नीलकंठ भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कंठ में अपने विष को धारण किया था, उससे उनका जो है कंठ नीला हो गया था। तो हम खुद मानसरोवर मंदिर पे खड़े हैं। मानसरोवर मंदिर की बात बता दें कि ये काफी प्राचीन मंदिर है और इसको बता दें कि 13वीं ईसा पूर्व का ये मंदिर है और सबसे यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं तमाम समय पे। इसका जो उद्धार किया गया है, इस बार अभी सीएम योगी आदित्यनाथ इसका जीर्णोद्धार किए हैं, सावन शुरुआत होने पे इसको सौगात में दिए हैं जनता को कि पूरी तरह से ये सुंदरीकरण किया गया है। और यहाँ देखिए पूरी तरह से भक्त यहाँ पे लगे हुए हैं शिवालयों में, और सावन में खास जलाभिषेक या रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप की जो है परंपरा चली आई है। और पूरी तरह से इनको प्रसन्न करने के लिए ये किया जाता है, माना जाता है कि किसी भी तरह से जिसका जो है अल्प आयु होता है उसको महामृत्युंजय जाप करवाना चाहिए। और आपको बता दें भारी तादाद में यहाँ शिव के भक्त खड़े हैं, श्रद्धालु और शिव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको दृश्य दिखा सकते हैं शिवालय का, तो हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे थोड़ा सा इधर आए और दिखाएं कि यहाँ पे महिलाएं बच्चे पुरुष युवक हर कोई यहाँ पे जो है मौजूद है। और भगवान से नंदी पे आप देख सकते हैं कि जल अभिषेक कर रहे हैं लोग, और उनके कान में परंपरा है कि नंदी के कान में अगर कुछ कहा जाता है तो भगवान शिव तक पहुंचे जाते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नंदी के कान में अपनी बातों को रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लोग अपनी बातों को नंदी के कान में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग हमारे साथ है भी यहाँ पे मौजूद है श्रद्धालु। माता जी आज सावन का सोमवार है, आप पूजा करने आई है, क्या महत्व है? जी बिल्कुल, सावन का काफी महत्व होता है और बहुत से लोगों को हालांकि पूजा करते हैं और सावन की बहुत विशिष्टियां हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए पूरी तरह से सावन में जो है शिवालय में पूजा लोग करते हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं। अब बात करने की कोशिश करते हैं लोगों से, बताइए आज सावन का सोमवार है, आप पूजा करने आएगी, क्या महत्व है? बोलने पे लोग पूजा में लगे हुए हैं क्योंकि समय धूप चढ़ती जा रही है और ऐसे में लोग काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो लोग पूजा में लगे हुए हैं क्योंकि भीड़ यहाँ भारी तादाद में अंदर देख सकते हैं आप, पूरी तरह से शिवालय जो है श्रद्धालुओं को पटा पड़ा है और लोग अंदर किस तरह से प्रवेश करने लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि शिवालय शिव का आज बहुत महत्व है और ये सावन मास में जो है हर सोमवार को लोग पूजा करते हैं, इसमें गुड़ के रस, घी, पानी, दूध और लोभांग इत्यादि से पूजा करते हैं, जिससे शिव को प्रसन्न किया जा सके। भांग धतूरा शिव के ऊपर चढ़ाते हैं ताकि शिव भगवान को जो पसंद है वो चीजें उनको दे, ताकि भगवान शिव जो है प्रसन्न हो सके। हिमांशु, अगर देखा जाए तो इस वक्त मंदिरों में आपके इर्द गिर्द बच्चे भी नजर आ रहे हैं, तो आप उनसे भी बात करने की कोशिश करिए कि आखिर वो क्यों मंदिर पहुंच रहे हैं और उनके लिए आज सावन सोमवार का क्या कुछ महत्व है, उन्हें क्या कुछ पता है इस सावन सोमवार के बारे में। जी बिल्कुल, बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ किसी बच्चे काफी यहाँ घूम रहे हैं। बेटा आज सोमवार है, शिव जी की पूजा करने आप आए हैं, तो क्या लगता है कि भगवान शिव से क्या मांगते हैं? मेरा घर ठीक करवाना। अपनी अपनी इच्छाएं हैं, बच्चा है चाहता है कि भगवान शिव की पूजा करे ताकि उसका घर बन सके, और लोगों की समस्या होती है बच्चों के मन से यही चीजें होती है। अगर आप भी यहाँ पे पूजा करने आए हैं युवक, सावन का क्या महत्व है, शिव जी की पूजा करेंगे? हम कहेंगे उनकी पूजा अर्चना करने से मनोकामना है पूरी होती है, बस यही हमारी। जी बिल्कुल, लोगों की आस्था है और विश्वास है शिव में, और शिव का सनातन धर्म में बहुत महत्व होता है। हिमांशु, अगर देखा जाए तो इस सावन सोमवार के मौके पर जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो सावन सोमवार के व्रत भी रखती हैं, तो क्या कुछ वजह है वो इस व्रत को रखती हैं? और ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने के लिए इसका अनुशासन बेहद ही कड़ाई से करना जरूरी है। जी बिल्कुल, महिलाओं की और
कन्याओं की बात करें तो जाहिर सी बात है युवतियां जो है अच्छे वर के और अपनी मनोच्छा पूरी करने के लिए जो है शिव का जो है व्रत रखती हैं सोमवार को, खासकर सावन के सोमवार में रखती हैं ताकि उनको जो है उनका जीवन साथी अच्छा मिले और साथ में महिलाएं जो होती है वो घर में सुख समृद्धि बनी रहे इसके लिए शिव की पूजा आराधना करती है। तो जाहिर सी बात है की लोग युवतियों में जो है और महिलाओं में खासा इसका जो है महत्व होता है और पूजा अर्चना शिव की करती हैं ताकि शिव भगवान प्रसन्न हो और गृहस्थी अच्छी चले। बिल्कुल धन्यवाद हिमांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर वहां के मंदिरों की तस्वीर दिखाने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से जो लोग हैं वो मंदिरों की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन जब गोरखपुर में एक छोटे से बच्चे से मंदिर के बाहर बात करने की कोशिश की गई कि आखिर वो मंदिर क्यों पहुंचा है, तो उसने बेहद ही मासूमी के साथ ये जवाब दिया कि वो भगवान शिव से बस यही मांगने पहुंचा है कि वो उसका घर बनवा दे। तो एक बेहद ही अच्छा जवाब और एक बेहद ही मासूमियत भरा जवाब हमने एक बच्चे से सुना कि वो किस तरह से भगवान शिव के मंदिर में पहुंचे और उनसे क्या कुछ उनकी गुजारिश है, वो क्या कुछ मांग भगवान शिव से करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों को भी देख सकते हैं, गोरखपुर, रायबरेली, गाजियाबाद, वाराणसी और प्रयागराज की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां के मंदिरों में ही सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। एक लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही है, सभी जो भक्तगण है वो मंदिर पहुंच रहे हैं और मंदिर के बाहर सुबह से ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बताते चले कि भगवान शिव ही पहले योगी हैं और मानव स्वभाव की सबसे गहरी समझ मान्यताओं के अनुसार उन्हीं को है। उन्होंने अपने ज्ञान के विस्तार के लिए 7 ऋषियों को चुना और उन्हें ही सबसे पहले ज्ञान दिया और ये वही 7 ऋषि थे जिन्होंने अलग अलग दिशाओं में लोगों को ज्ञान दिया, लोगों को धर्मों के बारे में जानकारी दी, लोगों को ग्रंथों के बारे में जानकारी दी। वही आज सावन सोमवार के मौके पर कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना इस वक्त मंदिर के बाहर मौजूद है। उपेंद्र, आज सावन का पहला सोमवार है और सुबह से ही मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, तो इस वक्त वहां का कैसा नजारा दिखाई दे रहा है, कितनी संख्या में भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ी है आज? जो है वो लगातार जो है श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा है भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान को पसंद करने के लिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से वो भगवान को जो है गंगा जल जल के या फिर शहद से या धतूरा से या फूल पत्ती से हर तरीके से जो है भगवान शिव को वो लोग प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। और आपको पता चले कि हमारे पीछे जो शिव मंदिर बना हुआ है आपको दिखाते चले किस तरीके से पूरे जो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं वो देखिए श्रद्धालुओं को जो है लगातार यहाँ पे आना जाना जारी है और श्रद्धालु जो है वो पूरी तरीके से क्षेत्र मंदिर प्रांगण में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके देखा है तो आदमी की जो आस्था है भगवान शिव को लेकर के वो पूरी तरीके से सामने आ रही है। अपने कैमरा से कहूंगा मंदिर के देखिए दिखाई चले मंदिर के जो अंदर भीड़ है इतनी भीड़ है कि लोग श्रद्धालु जो है पूरी तरीके से जो है जो अपने जो पूजा पाठ और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं कहा जाए देखा जाए तो जैसे कभी कानपुर के जो हिंसाकांड के बाद देखा जाए तो जो सुरक्षा की व्यवस्था की बात करी जाए तो कानपुर जो है मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो लगातार पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट है पूरी तरीके से। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो इस वक्त आप मंदिर के बाहर मौजूद हैं और आपके इर्द गिर्द श्रद्धालु भी काफी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, तो इस वक्त जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ चढ़ावा लेकर पहुंच रहे हैं? भगवान जो देखा जाए कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो अपना जो स्त्रियां हैं वो इस महीने जो सावन महीने में जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से उनका जो व्रत है वो इस पूरे महीने में कई हरियाली तीज कहीं कुछ मतलब देखा जाए तो पूरे व्रत जो है वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए थे। हमारे साथ और भी श्रद्धालु हैं, आइए श्रद्धालु से बात करते हैं कि जो भगवान दर्शन करने यहाँ पे आई थी किस आधार पे आई थी, क्या नाम है आपका? हेमा पटेल। हेमा जी, आप इस पर जहाँ पे यहाँ पे मंदिर दर्शन करने आई हैं भगवान शिव को किस आधार पर किस तरीके से जो है आप भगवान शिव को जो है प्रसन्न करने में करी हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमा पटेल अखिल भारतीय महिला शक्ति संघ से आज अपनी सभी सम्मानित बहनों को यहाँ पर भोलेश्वर मंदिर लाई हूँ एक श्रद्धा और विश्वास के साथ, क्योंकि सावन का महीना जो है वो बहुत पावन पर्व होता है और मैं पूरे भारत वर्ष के भाइयों को बहनों को बधाई देती हूँ कि सभी आस्था से जुड़े और पूजन करें, भगवान शंकर जी का आशीर्वाद लें और धन्यवाद। आपका क्या नाम है? रश्मि पटेल। रश्मि जी, बताइए कि जो आप अभी भगवान शिव को जो है किस तरीके से आप प्रसन्न करने में लगी, भगवान शिव को पूजा अर्चना किस तरीके से कर रही है और करनी चाहिए आगे? आज सावन का पहला सोमवार है
और इसी के उपलक्ष्य में हम सारी बहने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये कहना है कि जो है सावन में शंकर भगवान नीचे आते हैं जमीन पर, तो बस इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे आते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ा करके उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारा भी अपना सारा दुख दर्द कष्ट कम हो जाए। देखा जाए तो मुस्कान कहीं ना कहीं भगवान को जो है जो अपने तरीके से प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, कोई दूध चढ़ा के, कोई चाय चढ़ा के, कोई जल चढ़ा करके भगवान के पूरी तरीके से जो है शंकर को शिव को शिव प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। उपेन्द्र, अगर देखा जाए तो अभी भी आपके पीछे कुछ महिलाएं मौजूद है और सावन के महीने में जो महिलाएं हैं और जो युवतियां हैं वो अक्सर व्रत रखती हुई नजर आती हैं, तो उन व्रत को किस प्रकार से रखा जाता है और क्या कुछ विधियों का पालन करते हुए उस व्रत को संपन्न किया जाता है, आप उनसे जानने की कोशिश करें। अभी पूछता हूँ मैं इनसे, जो सावन में जो है जो महिलाएं जो लड़कियां हैं जो व्रत रहती हैं वो व्रत जो है किस स्तर पर असर रहता है। मैं शशिपुरा सचान अखिल भारतीय महिला संघ की ओर से ये सावन के पहले सोमवार को सभी भाइयों और बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग ऐसा सुना गया है कि सावन के महीने में हमारे शिव भोले जी अपने ससुराल गए थे, इसीलिए हम लोग सोमवार के दिन सभी पूजा करते हैं। भम भम बोले, भम भम बोले, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो यहाँ के श्रद्धालु हैं वो अपना किसी ना किसी तरीके से जो है पूरा जो है भगवान के जयकारे लगाते हुए, और उनका साफ कहना है कि सब भोले की भक्ति में सब लोग चूर हैं। उपेन्द्र, अगर देखा जाए तो कोरोना महामारी के कारण 2 साल से कांवड़ यात्रा पर भी सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई तो कांवड़ यात्रियों के लिए एक बेहद ही खुशखबरी का मौका हुआ कि इस साल उन्हें कांवड़ यात्रा करने की भी इजाजत सरकार द्वारा दी गई, तो उनमें क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है, वो कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। जी, अगर देखा है तो कांवड़ यात्रा जो है बहुत एक कोरोना महामारी के बाद कांवड़ यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं रुक गई थी। अब जो श्रद्धालु हैं वो पूरी तरीके से कानपुर स्थित जो खेरेश्वर मंदिर है, पनबट मंदिर है, अपनी श्रद्धा अनुसार जो कांवड़ यात्रा जो लेके जाते हुए, और देखा जाए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जगह जो कांवड़ यात्रा बनारस जा रही है उसको देखते हुए कानपुर प्रशासन जो है पूरी तरीके से जो अलर्ट है, क्योंकि देखा जाए कानपुर हिंसा के बाद देखा जाए धारा 144 कानपुर में अभी भी लागू है, और कहीं ना कहीं उसके बाद जो नेशनल हाईवे से जो कांवड़ यात्रा जा रही है उसके पूरी तरीके से जिला प्रशासन और नगर निगम जो है पूरी तरीके से सुरक्षित, और उसके बाद पेयजल की व्यवस्था पूरी करी गई है। बिल्कुल, धन्यवाद उपेंद्र हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए और मंदिर के बाहर से लोगों को दर्शन कराने के लिए, ताकि जो भी श्रद्धालु इस वक्त मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो प्राइम टीवी के जरिए ही भगवान शिव के दर्शन कर सके, मंदिरों के बाहर का दर्शन कर सके। और अभी आपने देखा कि किस तरह से गोरखपुर, कानपुर समेत गाजियाबाद की भी जो प्रसिद्ध मंदिर है उसके बाहर हमारे संवाददाता मौजूद थे और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से इस वक्त मंदिरों की तस्वीरें बाहर निकल के आ रही है, किस तरह से महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बच्चियां सभी मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे हैं, बेलपत्र के जरिए उनको दूध का भी चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का दूध प्रिय है, यही वजह है कि उनको प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, वो मंदिरों के बाहर खड़े हैं। सुबह 5 बजे से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सावन शुरू होने के बाद आज सावन का पहला सोमवार, आपको बता दें कि यहाँ पर आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग दर्शन पाने के लिए यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से आए हैं। लोग, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आकर के यहाँ पर शिव का दर्शन करने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए आज सुबह से रात से यहाँ पर आकर के लाइन लगाए हुए हैं। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ से लंबी लाइन लगी है, दो जगह से है, एक तो गुदौलिया से कम लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, गुदौलिया से एक छोर गुदौलिया की तरफ से, दूसरा मैदान की तरफ से, दोनों द्वार से दर्शन कराया जा रहा है और भव्य दर्शन लोग कर रहे हैं। आइए ऐसे में कुछ लोगों से हम बात करते हैं इसमें से। हम लोग तेलुगु है, हम लोग सिर्फ दर्शन हो जाए यहाँ के। जी, ऐसे आपको बताएंगे, देखिए जो दर्शनार्थी हैं उनसे हमने बातचीत की, उनका कहना है कि सिर्फ दर्शन हो जाए शिव, हालांकि ये महीना ही शिव का है, शिव की नगरी है, आज काशी शिवमय हो गई है। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए आफ्ताब आलम।
तो आज सावन सोमवार के मौके पर वाराणसी से हमारे संवाददाता आफताब आलम जुड़ चुके हैं। आफताब, अगर देखा जाए तो बीते दिनों ज्ञानवापी मामला जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ था, इसी बीच आज सावन के पहले सोमवार में आप मंदिर के बाहर मौजूद है, तो क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकल के सामने आ रही है? जी हाँ, रात से ही बता दें आपको कि रात से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। रात से ही लोग आकर के जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर अपनी लाइन लगा करके खड़े हैं। सुबह जब यदुवंशियों द्वारा जलाभिषेक किया गया उसके बाद फिर लोग लगातार लाइन लगा करके लोग लगातार दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए शिवभक्त जितने भी हैं वो जलाभिषेक करने के लिए तैयार हैं और अपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उनको अंदर जाने दिया, जा करके भगवान शिव को जलाभिषेक किया। बाबा भोले की नगरी में आप इस वक्त मौजूद है, तो वहाँ श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी आपको बता दें कि जैसे कि पिछले दो लगातार श्रद्धालु यहाँ पर कोविड नहीं आ पाए थे, काफी मात्रा में लोग आए हुए, लगभग लाखों की संख्या में कंवड़िया आए हुए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। कहा जाए तो काशी जो है शिवमय हो गई है आज। काशी आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोगों लाइन लगा हुआ है, किस तरीके से कतारें लगी हुई है, काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और भगवान शिव का दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि ये महीना शिव का महीना है और उस महीने में शिव की आराधना करने से हर एक मनोकामना पूरी होती है, तो वैसे में लोग देख सकते हैं कि पूरी कतारें लगी हुई है जो कि लाइन लगा करके लोग शिव भक्त जो है वो पूरी तरह से एकदम शिव भक्ति में लीन है और दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आफताब, अगर देखा जाए तो अगर भगवान शिव का जिक्र हो और अगर काशी का जिक्र ना हो तो कहीं ना कहीं ये मेल कुछ अधूरा सा लगता है। काशी की छोटी गलियों में इस वक्त श्रद्धालुओं की कितनी भारी भीड़ देखने को मिल रही है, कहां कहां से श्रद्धालु इस वक्त भगवान शिव की नगरी पहुंच रहे हैं, यानी कि काशी पहुंच रहे हैं? देश प्रदेश चले या देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हर एक जगह से, तमिलनाडु, बॉम्बे, हर जगह से हमने सुबह बात भी की थी लोगों से, तो हर जगह से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। काशी में कम से कम लाखों लोग आ चुके हैं और लाखों की संख्या में रात से ही लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज काशी का पूरी तरीके से रोड डिफेक्ट कर दिया गया और खाली शिव भक्तों के लिए एक अलग रूट है जो कि मतलब वहीं से आ रहे हैं और काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। आपको बता दें आफताब, अगर देखा जाए तो इस वक्त भारी पुलिस बल की भी जाहिर सी बात है कि काशी में तैनाती कर दी गई होगी, तो वहां का इस वक्त जो पुलिस प्रशासन है वो कितनी तरह से मुस्तैद और कितनी संख्या में मंदिर के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया है? जी बता दें कि सुरक्षा बहुत ही मुस्तैद कर दी गई है। सुरक्षा की बात की जाए तो पूरी तरीके से सुरक्षा मुस्तैद है, पुलिस बल को लगा दिया गया है जो कि हर जगह जगह पर चौराहों पर हर जगह पर पुलिस तैनात है पूरी तरीके से। जी धन्यवाद आफताब इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए कि किस तरह से इस वक्त बाबा की नगरी का माहौल देखने को मिल रहा है। काशी की छोटी छोटी सी गलियों से जो है वो श्रद्धालु निकलते हुए जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ की ओर कूच कर रहे हैं ताकि वो भगवान शिव की नगरी अगर पहुंचे हैं तो वो उनका सानिध्य भी जरूर प्राप्त कर सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके, उनका दर्शन प्राप्त कर सके। तो इस वक्त पूरे विश्व से ही जो श्रद्धालु है, पूरे देश भर के जो श्रद्धालु है वो काशी पहुंच रहे हैं ताकि वो सावन के पहले सोमवार के मौके पर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। रात को करीब 12:41 से ही भक्तों का जो है दर्शन करने का हमने प्रारंभ कर दिया था। ये तांता लगा हुआ है दर्शन करने वालों का, करीब 500 कार्यकर्ता अपने लगे हुए और 400 करीब पुलिस वाले भी जो है यहाँ पर ड्यूटी है। गंगा जल जो है अपना जो नगर निगम तरफ से गंगा जल की व्यवस्था भी टैंकर के रूप में किया हुआ है, तो जो भी भगत आए शांतिपूर्वक जल अभिषेक करके जाए ऐसा प्रबंध करने का हमने मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने पूर्ण प्रयास किया है। बार में पूजन करने से विशेष लाभ के साथ साथ में सब प्रकारों का उसका कलेश विकार और भी धन संपत्ति और काल मैं किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य। सावन के पहली सोमवार है तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सावन के हर महीना हर दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हमारे आराध्य देव का दिन है, दिन होती है, माँ होती है आराध्य देव के। तो आज के दिन हम लोग बहुत धूमधाम से आज रुद्राभिषेक किया और भंडारा किया। चार चौवन व्यवस्था है, चारों तरफ फोर्स लगा हुआ है और महिला कार्यकर्ता से लेकर के पुरुष कार्यकर्ता से हर एक की व्यवस्था हुई है
किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है, बड़े बहुत बढ़िया सब लोग आ रहे हैं, इसलिए कि अपने अपने दर्शन करके अपने अपने जला अभिषेक करते हुए घर को जा रहे हैं। व्यवस्था उधर पीछे की साइड में स्कूल में है, इधर रोड के किनारे बनाया गया है, लोग आ रहे हैं अपने वाहनों को खड़ा करके इधर दर्शन कर रहे हैं, दर्शन पूजा करके अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो चलिए अब आपको सीधा प्रयागराज लेके चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता पवन पटेल इस वक्त मंदिर के बाहर मौजूद है। पवन, अगर देखा जाए तो बीते दिनों प्रयागराज से जो हिंसा की खबर निकल के सामने आई थी, उसके बाद आज प्रयागराज समेत पूरे विश्व में, पूरे देश में सावन का पहला सोमवार मनाया जा रहा है, तो इस वक्त प्रयागराज से क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, वहां का माहौल कैसा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए प्रयागराज धर्म आस्था और अध्यात्म की नगरी कही जाती है। अगर बात की जाए बीते 10 जून की, जहां पर जुमे के नमाज के बाद हिंसा हुई थी, तो वो जो तस्वीरें हैं वो निश्चित रूप से धूमिल हो चुकी हैं। हालांकि धर्म और आस्था की नगरी कही जाती है संगम नगरी, तो इस समय संगम नगरी प्रयागराज में जितने भी शिवालय हैं वो पूरी तरह से शिवमय दिख रहे हैं। शिव भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है, सुबह से ही लोग मंदिरों में जलाभिषेक के लिए रुद्राभिषेक जैसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप ये जो संगम नगरी प्रयागराज की जो तस्वीर है पूरी तरीके से भक्तिमय दिख रही है, पूरी तरीके से शिवमय दिख रही है निश्चित रूप से। जी पवन, अगर देखा जाए तो प्रयागराज संगम नगरी जो एक धर्म स्थली है, जहां पर जब भी कोई भी ऐसा त्योहार होता है, कोई भी अवसर होता है, तो श्रद्धालु भारी संख्या में वहां पहुंचते हैं, तो इस वक्त कहां कहां से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं? चूंकि देखिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, और जो प्रयागराज है यहाँ पे मध्य प्रदेश से या दक्षिण भारत की बात की जाए या पूर्वी भारत की बात की जाए, तो यहाँ पे भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, और संगम किनारे ही मानकामेश्वर मंदिर है जहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग है, वहां पे भारी मात्रा में लोग आते हैं, जलाभिषेक करते हैं और लोग आते हैं दर्शन करते हैं। और जो यहाँ सबसे बड़ी बात है, जब लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो अपने देश के सुख और समृद्धि के लिए ज्यादातर पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर दिखा रही है कि लोग यहाँ पर अपने देश में अमन और शांति चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों से जब बातचीत हुई तो लोगों ने यही कहा है कि हम अपने देश में सुख और शांति चाहते हैं। और जो शिव मंदिरों की बात की जाए तो शिव मंदिरों में शिव भक्तों की बहुत अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। और चूंकि आज सावन का पहला सोमवार है तो संगम नगरी प्रयागराज से लोग जल भरते हैं, और जो तमाम शिवालय है प्रयागराज के अलग अलग स्थानों में वहां पे कांवड़िया जाते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद पवन पटेल इस दौरान मंदिर के बाहर मौजूद होकर वहां की तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। तो आप इस वक्त प्रदेश के दो अलग अलग जनपदों की भी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आजमगढ़ और कानपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसका रुद्राभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है, लोग बेलपत्र और गेंदा के फूल के जरिए भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अगर काशी की बात करी जाए तो वहां पर देश के कई अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने। तो इस बार का सावन सोमवार जो है वो 4 सावन के सोमवार का व्रत जो है वो बच्चियों और युवतियों द्वारा रखा जाएगा, जबकि अगर सावन के सोमवार के व्रत की बात करी जाए तो उसकी भी एक अपनी ही मान्यता है, क्योंकि इस व्रत को रखने से ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चियां हैं जो शादी करना चाहती हैं उनको एक अच्छा वर प्राप्त होता है। एक बार फिर इस मौके पर रायबरेली से हमारे संवाददाता अजय प्रताप जुड़ चुके हैं। अजय, अगर देखा जाए तो 2 साल से कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के चलते जो श्रद्धालु है वो मंदिर की तरफ नहीं पहुंच पा रहे थे, वो मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, लेकिन अब 2 साल बाद कोरोना की रफ्तार में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिंदगी पटरी पर लौट रही है, तो ऐसे में आज सावन का पहला सोमवार है तो कैसी तस्वीरें मंदिरों के बाहर से आपने देखी? और उसके बाद जो है लगातार आप जो है स्वतंत्र कहा जाए तो उनको स्वतंत्रता मिली है जो कोरोना काल से लड़कर जो यहाँ पहुंचे। और मंदिर की आज बात की जाए, सावन का पहला सोमवार है जो सुबह 3 बजे से लगातार भक्त यहाँ पर मौजूद है, जो श्रद्धालु आ जा रहे हैं लगातार यहाँ पर सुशासन भी मौजूद है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किया जा रहा है, दूध और जल चढ़ाकर जलाभिषेक किया जा रहा है। बात की जाए भक्तों की तो कहीं ना कहीं वो बेलपत्र फूल और नारियल लेकर भी अंदर जाकर के मंदिर में चढ़ा रहे हैं। जी आप देखते हैं ये जो मेन गेट है मंदिर का, यहाँ पर अभी भी प्रशासन मुंतजर था जो कि अभी भीड़ कम होने की वजह से जो बाहर गया है, और यहाँ पर दाद देनी होगी प्रशासन की जो है जिस तरीके से इतना भीड़ होने के चलते आज देखा जाए तो उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है, या फिर कह रहे हैं प्रशासन की जो कार्यशैली थी उस पर बधाई देने के पात्र हैं, क्योंकि भीड़ जिस तरीके से लगती थी वो आज दिख नहीं रही है, लग नहीं रही है।
क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभावन का बहुत बड़ा योगदान। इस वक्त आप मंदिर के बाहर मौजूद है अजय प्रताप, तो आप इस वक्त श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करें कि वो भगवान शिव से क्या कुछ प्राप्त करने मंदिर पहुंचे हैं या क्या कुछ कामना लेकर वो मंदिर पहुंच रहे हैं सुबह से ही। जी जी आप बिल्कुल बात करना चाहेंगे तो क्या नाम है आप मंदिर आए हैं? देखिए यहाँ पर भगवान का कहना है कि दर्शन ही हो जाए यही काफी है, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ में लोग यहाँ पर जाते हैं मंदिर दर्शन करते हैं और बात की जाए तो भीड़ में अगर दर्शन ठीक से हो भी नहीं पाते और झलक मिल जाए तो यही लोगों का मानना है कि काफी हद तक बहुत अच्छा होता है। यानी कि कहा जाए कि रायबरेली में सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है, जो सुबह से ही श्रद्धालु है वो मंदिर की तरफ कूच कर रहे हैं। धन्यवाद अजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर मंदिर के बाहर से तस्वीरें साझा करने के लिए, ताकि जो भी श्रद्धालु मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो इस वक्त प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन के जरिए भगवान शिव का दर्शन प्राप्त कर सके, उनका सानिध्य प्राप्त कर सके और उनका आशीर्वाद ले सके। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रदेश के अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता मंदिर के बाहर मौजूद थे और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, रायबरेली, गोरखपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो एक तरफ कहीं पर रुद्राभिषेक किया जा रहा है तो कहीं जो लोग हैं वो नंदी के कानों में अपनी जो विनती है, जो प्रार्थना भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं वो उनके कानों में कह रहे हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई प्रार्थना, जब भी कोई कुछ भी मांगा जाता है भगवान शिव से, तो अगर उससे पहले उसको अगर भगवान नंदी के कानों तक पहुंचा दिया जाए तो वो भगवान शिव तक उस कामना को पहुंचाने का काम करते हैं। यही वजह है कि गोरखपुर में भी हमने देखा कि किस तरह से जो श्रद्धालु है वो नंदी के कानों में कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गोरखपुर, रायबरेली, गाजियाबाद, वाराणसी और प्रयागराज की तस्वीरें, क्योंकि शिव ही शक्ति है, शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई भी श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भावना से भगवान शिव के मंदिर पहुंच रहा है तो वो कभी खाली हाथ उस मंदिर से बाहर नहीं आएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरा की जाएंगी। एक बार फिर इस मौके पर लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, अगर आज देखा जाए तो सावन का पहला सोमवार है और लगातार प्रदेश के कई जनपदों से ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई जहां सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला, तो इस वक्त आप कौन से मंदिर के बाहर मौजूद है और वहां से कैसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, क्या कुछ नजारा वहां देखने को मिल रहा है? जहाँ माना जाता है कि अगर कुछ मन मांगते हैं तो उस मन्नत को जल्द से जल्द भगवान जो है पूरा करते हैं, वहीं आपको बताया जा सकता है देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं सुबह से इस मंदिर में जो श्रद्धालु है उनकी आई हुई है, मंदिर क्योंकि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंचकर अपने जलाभिषेक कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे मुस्कान की जो महीना होता है उस महीने में जो धन है समुद्र की जाता है मंथन से निकले हर एक। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी इस वक्त मंदिर के बाहर मौजूद है और ये तस्वीरें हम आपको सीधे लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की दिखा रहे हैं जहां पर भगवान शिव के श्रद्धालुओं का तांता लगता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पूरी तरह से कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। महिलाओं और पुरुषों के जाने के लिए एक अलग अलग से लाइन भी बनाई गई है जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे संवाददाता इस वक्त मंदिर के बाहर मौजूद है, वहां की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ का एक प्रसिद्ध मंदिर है मनकामेश्वर जहां की सीधे तस्वीरें प्राइम टीवी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सुबह से ही वहां पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो एक बार फिर विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, अगर देखा जाए तो आज सावन का पहला सोमवार है और कोरोना के कारण जहां कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे 2 सालों से जो श्रद्धालु है वो मंदिर नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब 2 साल के बाद सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, तो किस तरह से वहां पे श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है? मुस्कान, आपको बताया कि 2 सालों के लंबे इंतजार बिल्कुल
कोरोना के कारण भी इसके बाद श्रद्धालु इस बार सावन के महीने में आप तस्वीरों में किस तरह से हजारों की संख्या में आप लेकर और मनोकामना मंदिर आए हैं। और सावन का जो पहला सोमवार साथ सोमवार शुक्रवार को शिव जी का देखा जाता है, इस दिन विशेष रूप से लोग आराधना कर कि सावन के महीने जो पुराणों के हिसाब से अगर देखें तो जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के अंदर से तमाम चीजें निकली, अमृत निकला या विष निकला, तमाम ऐसी चीजें निकली जिसको सुर और असुरों में बांट गया। तो एक ऐसा चीज निकलता है विष जिसको असुर लेने में असमर्थ दिखाया, सबसे इच्छा समुद्र मंथन से निकले जो कानाथ महादेव उसे ग्रहण किया और साथ ही साथ उनका तो उस वक्त उनके कंठ नीले हो गए, उन्हें एक और नाम लिया नीलकंठ में उन्होंने विष पिया था। और सावन के महीनों में पौराणिक इतिहास के आधार पर अगर देखें तो शिव जी बेहद गर्म हो जाते हैं। तो इस सावन के महीने में देवता हो या मनुष्य हो सभी शिव जी का जलाभिषेक करके उन्हें ठंडा करते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो सावन के ही महीने में जो शिव जी थे वो अपने ससुराल आए थे, यानी कि माता जो सती थी उनके घर आए थे। वहीं आपको बताएं कि सावन के महीने के कई ऐसे चीजें हैं जो लोग आस्था को लेकर, जैसे सोमवार सोमवार में अपने किसी चीज की प्राप्ति को लेकर अगर 16 का व्रत रखते हैं तो उसे आप आया पूरा करेंगे। वही आप शिव है कि हर एक वर्ग के लोग चाहे बात की जाए, बच्चे चाहे बात की जाए तो जवान, हर एक वर्ग के लोग आज मंदिर आए हुए हैं और पूजा अर्चना यहाँ कर रहे हैं। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि प्रशासन की मुस्तैदी ना हो, पूरी व्यवस्था ना हो जिसको लेकर हर एक जगह पे तैनात है। वही अगर मुस्कान तो ये मंदिर एक बात के आस के तमाम जहाँ लोग अर्चना करते हैं। अंशु, मंदिरों के बाहर की ताजा तस्वीरें हम सभी के साथ साझा करने के लिए, और हमारे सभी श्रद्धालुओं ने देखी, सभी दर्शकों ने देखी कि किस तरह से इस वक्त मनकामेश्वर मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं का अभी तक भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही मनकामेश्वर मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं का भारी तांता लगा हुआ है, क्योंकि मनकामेश्वर मंदिर एक पौराणिक मंदिर है, इससे कई मान्यताएं जुड़ी है। यही वजह है कि आज सभी श्रद्धालु मनकामेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो आपको बताते चले कि जब समुद्र मंथन का समय आया था तब भगवान शिव ही ऐसी ढाल बने थे जिन्होंने खुद विष पीकर पूरे दुनिया को बचाया था। जब भी पूरे दुनिया पर कोई भी संकट आता है तब भगवान शिव उसकी ढाल बनकर पूरे विश्व के सामने खड़े होते हैं। और आज सावन का पहला सोमवार है तो उस दौरान आपने प्रदेश के कई जनपदों से तस्वीरें देखी कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है, क्योंकि शिव ही आदि है, शिव ही अनंत है और शिव ही शक्ति है। यही वजह है कि सावन सोमवार का आज पहला ऐसा सोमवार है। यही वजह है कि सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों की तरफ कूच कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से ही मंदिरों के बाहर की तस्वीरें हमने देखी और साथ ही साथ ये भी देखा कि सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से मुस्तैद है। 2 सालों के लंबे इंतजार के बाद अब जो भी भगवान शिव के भक्त है वो अब खुलेआम खुले हवा में लोगों के भारी भीड़ के बीच मंदिर की तरफ रुक कर रहे हैं। तो ये कि श्रद्धालुओं के लिए एक बेहद ही खुशी का अवसर है। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस